नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, जहां देश में धूमधाम से दिवस मनाया जाता है। 1949 से ये दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। सैनिकों के लिए प्रति ये उनकी श्रद्धा है और हम इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसी अवसर पर आज प्रेस क्लब में एक कह सकते हैं कि सेमिनार या फिर हम कह सकते हैं बैठक हुई है, जहां इस दिवस के विषय के बारे में बैठक हुई है, जहां बात की जा रही है। और साथ में उनसे हम यहां पर पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसपा के सैन्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार भी मौजूद हैं, जो पूर्व नौसेना अधिकारी है। उनसे बेहतर कौन बता पाएगा झंडा दिवस के बारे में। और जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये दिवस समर्पित है, और देश के प्रति उनके इस कर्म को और इस काम के प्रति इस दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, तो आप इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एकता जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सशस्त्र सेना झंडा दिवस पे। सन 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाया गया। जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो उनके जो विधवाओं को जो पेंशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उनके वेलफेयर के लिए इस फंड को एक दान स्वरूप हम एक झंडा देते हैं लोगों को। जो लोग दान देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। इसलिए हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस हम लोग मनाते हैं। आज़ादी के बाद 1949 से ये शुरुआत हुई है, और ये जब जवानों के प्रति जब देखा गया, तो उनके प्रति परिवार के प्रति एक दान कह सकते हैं, झंडा दे के हम दान दिया गया। आज की और तब में क्या अंतर है? देखिए, 1949 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो तब का हमें नहीं पता। लेकिन हमें मालूम है कि जब हम लोग छोटे थे, तो झंडे जितने भी सरकारी ऑफिस होते थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती वो झंडा दिया जाता था। उस समय 25 पैसे लिए जाते थे, लेकिन आज वो चीज़ मिस हो रही है। आज मैं किसी भी विभाग में या किसी भी सरकारी विभाग में नहीं देखता हूँ कि लोग इसके प्रति बहुत कार्यशील हैं। उदासीनता है लोगों में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये से हम झंडा खरीद के और अपने सैनिकों के लिए जो शहीद हो गए बॉर्डर पे, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए क्या हम इकट्ठा नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। और ये मेरी एक शिकायत है हमारी जनता से। सर, आप पूर्व नौसेना अधिकारी भी हैं, तो इस दिन पर विशेष क्या करते थे आप लोग? जो हम लोग लोगों को फ्लैग देते थे, झंडा देते थे, स्टिकर झंडे का देते थे, और जो पैसा इकट्ठा होता था वो वेलफेयर में जमा करते थे। आज आपको लगता है जो आज के यंगस्टर्स हैं वो झंडा दिवस के बारे में जानते हैं कुछ, या आपको लगता है उनको इसका ज्ञान है? देखिए, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते वो जान जाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका उद्देश्य क्या रहा? हमारा उद्देश्य ये रहा कि आज हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, और हमारे कुछ जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मांगे हैं। जिस तरह से एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें राज्यसभा और 2-2 सीटें विधान परिषद में आरक्षित की गई थी, और 2020 में उनको ख़त्म कर दिया गया, वो 2 सीटें अभी भी हैं। तो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको राज्यसभा में 2 सीटें देनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, 2 विधान परिषद में होना चाहिए। हमारी एक मांग और है कि 5% हम लोगों का हर चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, सब जगह 5% का रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि हमारे जनसंख्या हिंदू मुस्लिम के बाद पूर्व सैनिकों की सबसे ज़्यादा है। शहीद हो जाते हैं, उनके पीछे उनका परिवार होता है, तो कभी कभी होता है कि वहाँ गए जो अधिकारी होते हैं या फिर जो कहते हैं नेता होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको लोग उनकी बात नहीं सुनते। उनको भी आम जीवन में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, कभी उनको प्रॉफिट वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उनको भी समान जीवन जीना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का फेस करना पड़ता है कि जिनका बेटा सरहद जवान है, शहीद हो गया है, उसके परिवार को जो फेस करना पड़ता है, आप भी समझ सकते हो। तभी भी हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जो संघर्ष है वो कब खत्म होगा? देखिए, मैं आज ही का आपको एक पेपर की न्यूज़ है। एक सैनिक मतलब अभी तो उसको हम पूर्व कह सकते हैं, सैनिक कोरोना में 6 मई को उसका देहांत हो जाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको 50 लाख रुपए और उनकी वाइफ को, सपना मलिक नाम है, और नौकरी देने के लिए बोल दिया। आज भी वो भटक रही हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, हमारे बहुत सारे सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। उन्होंने
सैनिक कल्याण निगम वहाँ पे भी अपना लेटर डाला, लेकिन अभी तक उनको उनकी बात सुनी नहीं गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का अल्पसंख्यक आयोग है, SC ST आयोग है, या हमारा ये है महिला आयोग है, उसी तरह से पूर्व सैनिक आयोग भी होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी बात को उठा सकें। और ये मैंने जितनी हम मांगे आपके सामने बात कर रहे हैं, मैंने ये प्रधानमंत्री को लिखा है, लेकिन वहाँ से भी गोलमाल जवाब आ गया, क्योंकि पूर्व सैनिकों के नाम पे चुनाव जीता जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जब उनकी समस्याओं के बारे में बात आती है तो सब लोग टाल देते हैं। आपकी सरकार बनती है, आप कैंट प्रत्याशी भी हैं, आपकी कुछ मांगे हैं, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो जवानों को सही तरीके से क्या फायदा होगा? देखिए, हम हमारी सरकार की बात नहीं करते। हमारा कोई भी फौजी, कोई भी प्रतिनिधि अगर हाउस में पहुंचता है, वो इतना तो कर देगा, अगर फौजियों की बात नहीं सुनी गई तो हंगामा तो काट ही देगा, वहाँ लेट जाएगा, वहाँ हड़ताल कर देगा, लेकिन अपनी बात मनवा के रहेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। देखिए, जब आपके सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है, अब पानी गुजर चुका है, फौजी जागृत हो चुका है, उसको अब अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और आज हमारे कई संगठनों के पूर्व सैनिक बैठे हैं, अब लोग हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो सड़क द्वारा हम दिल्ली जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी से आज जैसे कि झंडा दिवस है, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप सभी पूर्व नौसेना अधिकारी या सेना अधिकारी हैं, जवान हैं, तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो यंगस्टर नहीं जानते हैं झंडा दिवस के बारे में, तो कैसे उनको बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी से सबसे पहले तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पे, और दूसरा नहीं जानते हैं तो आज ये देखने के बाद जान जाएंगे। आज झंडा दिवस है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, जो 1947 से शुरू हुआ है। ये थे इंजीनियर अजय कुमार, जिन्होंने इसके बारे में विशेष हमें बताया। और इसी के साथ मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। नमस्कार।